रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। 14 जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। कल देर रात वो डीएम के पास पहुंचे और शिकायत की और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी उन्होंने सौंप दिया। रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की मांग करने के लिए 14 सदस्य लामबन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो देर रात डीएम आवास पर पहुंच गए, ज्ञापन सौंपा और बर्ताव की शिकायत की। तो ये पूरा मामला अब आगे बढ़ चुका है, क्योंकि डीएम तक पहुंच चुके हैं 14 सदस्य, ज्ञापन सौंप दिया है। मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को हटा दिया जाए और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है। रोहित डमरी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या इस खबर पर इस वक्त अपडेट है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अमरजीत शाह है, उनके खिलाफ 14 सदस्यों ने यहाँ पर डीएम को शपथ पत्र सौंपा है। अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के बाद उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की। यार कह सकते हैं जो 14 सदस्य है इनमें से 4 भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं। आरोप क्या है इनका? आरोप ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो अध्यक्ष है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बोर्ड की जो बैठकें हैं उसमें भी कोई भी निर्णय जो लिए जाते हैं वे सदस्य नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के जो कार्य यात्रा मार्ग पर चलते, जैसे टेंडर किए जाते हैं, वह पार्किंग के टेंडर हो गए, गद्दी के टेंडर हो गए, इन टेंडरों में भी ही जिला पंचायत सदस्य से राय मशवरा नहीं किया जाता। जबकि जो क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य है उनसे भी पूछा नहीं जाता की उनकी क्षेत्र नहीं। ठीक है रोहित, कुल मिलाकर यहाँ नाराजगी ये है की जो तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बाकी सदस्यों की नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, और इसी से नाराज सदस्यों ने रुख कर लिया है, ज्ञापन लेकर के पहुंच गए डीएम के पास। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि गैरसैंण से भाजपा सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो देखिए, गैरसैंण को मुद्दा बहुत बनाया जाता है और फिर से वही राग अलापा जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है गैरसैंण स्थायी राजधानी तो नहीं, लेकिन यहां पर आखिर सदन भी नहीं चलता है। इन्होंने सीटों का अपमान किया है, जन भावनाओं का अनादर किया है। इनकी कथनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है और स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को गैरसैंण से राजधानी से ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो इन्होंने सगुफा छेड़ा था वह चेहरा सामने आ चुका है और इनका गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप सामने आया है और चैंपियन का आरोप है कि अगर उनके ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसके लिए जिम्मेदार उमेश कुमार होंगे। चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। ये दुर्दांत अपराधियों को, शूटरों को, अपराधियों को बुला करके ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार में बुला रहे हैं, किसी की उम्र कैद की सजा माफ करवा करके उसको ला रहे हैं। इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं और हमारे और हमारे परिवार को इनसे जान माल का सख्त खतरा है, गंभीर खतरा है। और ये ऐसा भी कर सकते हैं जो नाटक पहले इन्होंने रचा था, अपनी गाड़ियों का फर्जी एक्सीडेंट करा करके अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी, अपने ऊपर झूठा हमला करा करके हमें फंसा दें। हमारे ऊपर जो सुरक्षा का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, आपके माध्यम से मेरी मांग है सरकार से कि हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।